मथुरा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव के लोग आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं जी, हमारा जो बच्चा है वो हमारा भतीजा है, और जो है हमारा बच्चा जो है हाईवे पर से अपने घर की तरफ आ रहा था, तो जो है एक मोटरसाइकिल वाले ने उसको टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल वाले कहाँ थे? और बाबू कटैया को मोटरसाइकिल जो है चौकी में फंदा है, वो जो है आज भी पुलिस भी वहाँ के पहुँच चुकी थी, वो पुलिस की नज़र में सब कुछ मैटर बना हुआ है। जो है छह दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर, और आज हमारे बच्चा जो एक्सपायर हो गया था। जो बंदे हैं वो अभी तक यहाँ नहीं आए, पूछे तक भी नहीं आए, तो बच्चा तुम्हें किस हालत में? अच्छा, अभी सब लोग यहाँ थाने में आए हो, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? भाई अभी पुलिस ने नहीं ली है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी को अंदर भी घुसने दे दें, वो लोग जो है बाहर ही रखो गाड़ी को, तुम लोग सब बाहर ही रहो। दरअसल मामला गोवर्धन इलाके का है, जहां मृतक के चाचा ने बताया कि उसका भतीजा विकास शर्मा बाईपास से अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण हुई कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गुस्साए परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।